ब्रेक के बाद स्वागत है और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर हमला किया है। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में बस खाई में जा गिरी। हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 3 की मौत आतंकियों की गोली लगने से हुई है, जबकि हमले के तुरंत बाद चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी, जिससे 9-7 अन्य श्रद्धालुओं की भी मौत घटना स्थल पर हो गई है। बस से शिवखोड़ा मंदिर से कटरा स्थित मां वैष्णो देवी के लिए दर्शन को जा रही थी, तभी आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस खाई में गिर गई और कुछ की मौत आतंकियों की गोली से हो गई है। तो एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है आतंकियों ने। वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं पर गोलीबारी हुई, अंधाधुंध फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई। बताया जा रहा है कि कुछ की मौत गोली लगने से हुई, तो कुछ की मौत बस जब खाई में जा गिरी उस हादसे की वजह से हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बस पर आतंकी हमला हुआ और बस जो है वो खाई में जा गिरी और सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। 9 श्रद्धालुओं की मौत इस घटना में हुई है। वहीं आतंकियों पर अब एक्शन की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर से ये खबर है, जहां बताया जा रहा है कि आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिससे बस खाई में जा गिरी। हमले में 10 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 3 की मौत आतंकियों की गोली से हुई है, जबकि हमले के तुरंत बाद चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और हुआ ये कि बस खाई में जा गिरी, जिससे 7 अन्य श्रद्धालुओं की भी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दिल्ली से वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। दिल्ली के दर्शन करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम बचा था, ट्रेन की टिकट लेट थी, तो जब चल रही थी आगे लोग आए, क्या हुआ, कैसे कुछ भी नहीं दिखा हुआ। जैसे ही पटाखे की आवाज आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक फायरिंग चली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कम्प्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। गुमला से बड़ी खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी का सोनल कमांडर गिरफ्तार किया गया है। 10 लाख का इनामी सोनल कमांडर रवि गंजू गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली किसी से मिलने आया हुआ था, वो छिपकर रह रहा था, तभी गुमला पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जोनल कमांडर रवि गंजू चतरा जिला के टंडवा थाना के हुम्बी गांव का रहने वाला है। गुमला लोहरदगा और लातेहार में ये सक्रिय था। तो गुमला से खबर, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी कैबिनेट में जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ आतिशबाजी की और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। जेडीयू कोटे से 2 सीटें इस बार मोदी कैबिनेट में, और देखिए कैसे जेडीयू कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है। और इस बार की अगर बात करें, नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे, और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो जेडीयू कोटे से दोनों मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह।
जबकि तो जेडीयू कोटे से ललन सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। तो तस्वीरें निकल करके सामने आई है जब ललन सिंह कैबिनेट मंत्री पद की वो शपथ ले रहे थे। वहीं तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नालंदा के राजगीर में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला और खुशी अपनी जाहिर की। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के केंद्र में मंत्री बनने पर उनके पैतृक गांव से लेकर इलाके में जश्न का माहौल है। नरकटियागंज के हरसरी गांव के रहने वाले सतीश चंद्र दुबे एक जमीनी कार्यकर्ता से मंत्री तक का सफर तय किया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरकटियागंज में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। कैसा सफर, इससे बड़ा गौरव कुछ हो ही नहीं सकता है। कैसा सफर रहा किसान से अभी तक केंद्र के मंत्री तक बन गए? बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, इतना संघर्ष कि प्रशासन से लेके और अपने से बड़े लोगों का, सब लोगों से हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ा। संघर्ष के बदौलत यहाँ पहुँचे हैं। वो संघर्ष के पीछे अपने परिवार, अपने समाज और भारतीय जनता पार्टी के सारा जनता और कार्यकर्ता का ही सहयोग रहा है। अब तो वो पूरे केंद्र के मंत्री बनने जा रहे हैं, क्षेत्र चंपारण के लिए क्या चंपारण में जो काम बाकी होगा वो पूरा होगा, कुछ भी बाकी, अब तक तो बहुत काम किए हैं लेकिन जो बाकी काम होगा वो सब पूरा होगा। हम पार्टी के समर्थक जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाने पर काफी उत्साहित हैं। मांझी को केंद्र में जगह मिलने पर जगह जगह कार्यकर्ता आतिशबाजी करते नजर आए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट का हिस्सा और उनके मंत्री बनने के बाद से ये तस्वीर है खुशी की, ये तस्वीर है उत्साह की, जहां पर आतिशबाजी हो रही है और ढोल नगाड़े के साथ इस जश्न को मनाया गया है। बहुत खुशी है सर, हम लोग खुश हैं कि हमारे गार्जियन जीतन राम मांझी जी को केंद्र में मंत्री बनाया गया है और हम लोगों को सम्मान दिया गया है। और उससे भी खुशी ज्यादा है कि तीसरी बार केंद्र में एनडीए की मजबूत सरकार बन रही है। बिहार का विकास होगा, बिहार का ही क्यों पूरे देश का विकास होगा मांझी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में। रांची से इस बीच बड़ी खबर है, जहां कल्पना सुरेन आज शपथ लेंगे। झारखंड विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह होगा, विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी है। गांडे से उपचुनाव कल्पना सुरेन ने जीती है। जेएमएम की नव निर्वाचित एमएलए कल्पना सुरेन है और आज शपथ ग्रहण है झारखंड विधानसभा में और इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने दी है। तो देखिए, कल्पना सुरेन आज शपथ लेंगी। इस बार जो गांडे विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें जीत अपनी कल्पना सुरेन ने दर्ज की। जेएमएम की नव निर्वाचित एमएलए कल्पना सुरेन है। पटना की एजी कॉलोनी में हुए दारोगा के बेटे आर्यन राज की हत्या मामले में पुलिस ने गोपालगंज में छापेमारी कर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े भाई मंगरू यादव के दो परिजनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुदेश यादव के बेटे आकाश और विकास यादव के रूप में की गई है। गोपालगंज के एसपी ने इसकी पुष्टि की है। जिस फ्लैट में दारोगा के बेटे की हत्या हुई थी वह फ्लैट लालू के करीबी रिश्तेदार सुदेश यादव का है। बता दें कि शुक्रवार की रात में बर्थडे पार्टी के दौरान स्पेशल ब्रांच में तैनात भोजपुर निवासी श्याम रंजन सिंह के बेटे आर्यन राज की हत्या कर दी गई थी। आर्यन का शव शनिवार को संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ था। बड़ी खबर नालंदा के बिहार शरीफ जेल से है, जहां कैदी जितेंद्र पासवान ने बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मृतक कैदी शराब मामले में जेल में बंद था। घटना से नाराज परिजनों ने बताया कि जितेंद्र घर पर परिजनों से बात कर रहा था, तभी पुलिस ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद कैदी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस के नाक से मर गया हमको बच्चा, हमको पुलिस जान मारा है।
अभी गए थे एक और भाई अंदर में है जेल में, गए थे मिलने लगे अब भाई से कारू पासवान से, तो बोले कि कैसा है जितेंद्र, तो बोला दीदी ठीक है। अब फिर पुलिस वाला इनसे फोन आया, बता भी नहीं रहा कि क्या हुआ, तो बोला हॉस्पिटल आप नहीं आए तो मेरा भाई मर चुका है। बताइए सर क्या कर सकते हैं, सब कहाँ रहते हैं बताइए सर। आरा के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। यहां 2 महीने के बच्चे का इलाज फर्श पर हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों ने शिशु वार्ड में बच्चे का इलाज करने की जगह बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया, लेकिन बेड खाली नहीं होने की वजह से 2 माह का मासूम बच्चा और उसकी माँ फर्श पर इलाज करने को मजबूर है। मामला सामने आने के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर बस्ते नजर आए। ये बच्चा वार्ड में नहीं गया लोग, बच्चा है, क्या हुआ है? बोला है कि चल रही है इमरजेंसी में, वहीं पर चाली सुई के लिए है, भेज दिए हैं। हां नीचे बेड नहीं मिला है? नहीं। आप नीचे बैठा रही हैं नीचे? हां। कहां घर है आपका? घर विशनपुरा है। थाना कौन सा है? थाना जगदीशपुर, उद्वत नगर। कब से आप आई हैं? दानापुर के रेल अस्पताल में शराब के नशे में डॉक्टर हंगामा करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मरीज के परिजनों के मुताबिक रेलवे अस्पताल के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शराब के नशे में थे और सभी के साथ गाली गलौज कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक थाना और रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दानापुर रेलमंडल प्रबंधक ने मामले की सूचना मिलते ही कार्रवाई की बात कही है, हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आए हैं पिए हुए फूल हैं, वहाँ पर पहले वो ये रिक्शा वाला को माय धक्का मार के माय बहन किए, उसके बाद हमको आके बोले मारिए तो मारिए, बोले आप डॉक्टर हैं जी, आप डॉक्टर होके पी के ऐसे क्या इलाज कीजिएगा। तो हमारा लाल दाढ़ी देख करके और ये हल्ला करने लगे, हिंदुस्तान से भगा देंगे। तो उस समय से सिर्फ नॉन स्टॉप गाली, सारा स्टाफ है यहाँ जो पेशेंट है वो भी देख रहा है, सब लोग सुन रहे हैं इस बात। था ही नहीं तो डॉक्टर किया क्या? डॉक्टर हमको देखा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं नहीं। पी के आया, पी के हमारे आदमी के साथ में गाली गलौज करने लगा, गोली हो तुमको गोली मार देंगे। क्या दारू पिए हुए हैं? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते इसके बारे में। आवाज अंदर में है, ताला बाहर से बंद है, बेगूसराय के मोहम्मदपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक से 50,000 की रंगदारी की मांग की, जिसे पूरा नहीं करने पर अपराधियों ने युवक को पिलर में बांधकर लोहे की रॉड से पीट पीट कर घायल कर दिया और घायल अवस्था में अपराधियों ने उसे मरा समझकर घर के बाहर फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। परिजनों के मुताबिक आरोपियों ने युवक से सोने का लॉकेट और 2 अंगूठी के साथ मोटरसाइकिल की लूट कर ली। फिलहाल युवक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने एक सिपाही को कुचल दिया, जिससे सिपाही की मौत हो गई। बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने के दौरान यह घटना हुई। घटना के बाद से पुलिस महकमे में कोहराम मच गया है। किशनगंज के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में जमीनी विवाद में मारपीट की घटना हुई। वार्ड 1 में रहने वाले युवक के मुताबिक करीब 100 से ज्यादा लोग जबरन घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उसकी मां और भाई बुरी तरह से घायल हो गए। पीड़ित ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया। कोर्ट में केस चल रहा है, 2013 से ही मामला चल रहा है, तो आप जो है जमीन के खातिर हम लोग को जानलेवा हमला किया और जो है सारा पैसा जेवर हमारा बच बेटी का जेवर मेरा जेवर सब ताला तोड़ के लेके चल गया है। पैसा बंधन उठाए थे, बंधन का सारा पैसा ले गया, दौर दुकान का भी पैसा ले गया, अब तो इलाज करने का भी पैसा नहीं है। अंदर में कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है, हम लोग अपना जो है जमीन पर जो है देखने के लिए गए थे, उसी में उसका एक बेटा है बोलता है कि हम लोग जाएंगे नहीं, उलट के गिर गया बड़ा, वो जब उसको अपने से और सीओ मैडम अपने से जो है उसको लेके हॉस्पिटल लेके, प्रशासन भी थी वहाँ पे? हाँ प्रशासन के सामने में हुआ।
बेगूसराय में मामूली बात को लेकर छात्रा की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना छौराहे थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की है। परिवार वालों ने बताया कि मामूली बात को लेकर छात्रा की पिटाई की गई है। फिलहाल पीड़िता का इलाज जारी है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वसी अहमद उसका लड़का राजा अली और उसकी बेटी नजाला, तो और ये जब आई कि उसका खसी या बकरी खेत में था, तो ये वहाँ से आई और कह उसको राजा कह रही थी कि देखिए आपको डेली डेली आके करते हैं। और आप जो है बिहार में अगले 72 घंटे तक गर्मी से लोगों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 4 डिग्री तक पारा और चढ़ सकता है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में गर्मी का सितम लगातार जारी है। पटना और इसके आसपास के साथ ही अगर समूचे बिहार की बात कर लें तो अगले 72 घंटे तक इसमें कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान कई जगहों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। इससे राज्य के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से के तकरीबन सभी जिलों में 48 घंटे तक भयंकर लू चलने की संभावना जताई गई है। शनिवार को राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के 15 जिले हीट वेव से परेशान रहे। इनमें 8 जिलों भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, औरंगाबाद, वैशाली, बांका, नवादा और अरवल में सीवियर हीट वेव रहा। इस मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय के वैज्ञानिकों की माने तो तापमान सामान्य होने में अभी 4 दिनों का वक्त लग सकता है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्वी भाग में मध्यम स्तर की हल्की वर्षा हो सकती है, बाकी के भाग में बारिश की उम्मीद कम जताई गई है। कल का जो दिन था शनिवार का, बताया जा रहा है कि पटना में अब तक का ये सबसे गर्म दिन था। तो ऐसे में गर्मी से बचने के लिए आप हर संभव प्रयास करें और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बेटा में गोल इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने नीट 2024 की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। इसे लेकर प्रबंधन ने छात्रों को बधाई दी, साथ ही नीट 2024 के रिजल्ट में पारदर्शिता को लेकर सवाल भी खड़े किए। गोल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने एनटीए की ओर से जारी किए गए नीट के रिजल्ट को लेकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह ने कहा कि रिजल्ट में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। पटना में भी पेपर लीक की खबर सामने आई, जिसमें 16 छात्र पकड़े गए, फिर भी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, फिर से मूल्यांकन होना चाहिए। हो रही है उस पर आपको विचार करना होगा और आपके माध्यम से ये कहना है कि जितना जल्द हो सकता है इन बच्चों के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपके अगेंस्ट में, इसका स्पष्ट और क्लियर जवाब आना चाहिए, इसके सेटिस्फैक्टरी जवाब आनी चाहिए और उस प्रकार से ये बच्चों को हम लोग संभाल सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क में जो एग्जामिनेशन लीक होने से लेकर और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से लेकर उसके मार्क्स देने की बात थी, ये सबसे ज़्यादा आज मुद्दा सामने आया हुआ है। रिजल्ट है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इतने सारे बच्चों के 720 नंबर आए हैं, 67 बच्चों के, उनका कोई करेक्ट इवेल्यूएशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरा, जो इतने बड़े मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है उसको एनटीए बहुत आसानी से रिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। 700 मार्क्स आया आउट ऑफ 720 रैंक, जो कि अच्छी आनी चाहिए थी जैसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर रैंक अच्छी नहीं रहा। रैंक आई है 1973, कॉन्ट्रास्ट टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इस पर मैक्सिमम रैंक जो गई थी वो 350 गई, तो 6 गुना 7 गुना रैंक बढ़ गया वो वाला चीज़। छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर में 119 रन पर सिमट गई थी, लेकिन भारत ने गेंदबाजी के दम पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बुमराह ने 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं हार्दिक ने 2 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत हुई है और पाकिस्तान को 6 रन से हराया है। और बुमराह की अगर बात करें तो उन्होंने शानदार पारी खेली और हारी हुई बाजी भारत ने जीत ली है। तो देखिए, अंत तक ये मैच रोमांचक रहा और आखिरकार पाकिस्तान को 6 रन से भारत ने हराया और ऐसा लग रहा था कि काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन इन सब के बीच शानदार प्रदर्शन भारत का और आखिरकार इस
मैच पर कब्जा किया, इस T20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत हासिल की। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।